चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। तो हमको बोल रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसे हो आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन सही, फटाफट करते जाओ ठीक है। 3/2 x^4 − 4x³ − 45x² और यहाँ आ गया अपना +51। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स कर दो, देखो 4 आगे आएगा तो 3/2 × 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ आ गया x³ माइनस यहाँ आ जाएगा 12x², यहाँ आ जाएगा −90x और +51 कितना हो जाएगा 0 ठीक है। अभी देखो अपने को पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए आपको पता होता है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना होता है ना। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो मेरे को दिख रहा है 6x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच जाएगा, अंदर यहाँ बच जाएगा x², यहाँ बच जाएगा −2x और इधर कितना बच जाएगा, देखो ये 15 6 होता है शायद 90 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 − 15 ठीक है। और देखो और क्या कर सकते हैं हम, ये अपने ग्रेटर देन 0 तो 6 वहाँ चला जाएगा तो अपना 0 हो जाएगा x। अब इसको स्प्लिट कर दो x² माइनस ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा, देखो 5x और यहाँ आ जाएगा अपना +3x − 15। तो देखो स्प्लिट तो हो गया आसानी से है ना, यहाँ आ गया एक्स, ये देखो एक्स इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर एक्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ एक्स -5 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स -5, यहाँ आ गया अपना ग्रेटर देन 0। और देखो पूरे में से अपने को एक्स -5 कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में बच जाएगा अपने पास एक्स +3 > 0। तो देखो अपने पास 3 पॉइंट्स आ गए, वेविकर लगाते हैं और आंसर पाते हैं। देखो 3 पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पहले तो हो गया -3, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद अपना 5 हो गया, तो लगाओ +−±। तो आपको पता होगा माइनस वाला अपना क्या होता है डिक्रीजिंग, प्लस वाला क्या होता है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग बताओ क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग अपने देखो कहाँ से स्टार्ट है, -3 से लेके 0, फिर यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और अपना डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, डिक्रीजिंग है अपना देखो -∞ से लेके -3 यूनियन 0 से लेके 5 तक है ना।